नमस्कार भालक, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे डीडोस अटैक के बारे में, ठीक है। तो डीडोस अटैक एक तरह का अटैक है जिसका फुल फॉर्म होता है, पता नहीं क्या फुल फॉर्म होता है, याद नहीं आ रहा, रुक जाए बताते हैं अभी। डिनायल ऑफ सर्विस, तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है डॉस अटैक का। और डॉस अटैक और डीडोस अटैक दोनों ही लगभग सेम है। डीडोस अटैक में होता है कि मल्टीपल्स कंप्यूटर एक टारगेट पे जो है हमला करता है, जबकि डॉस अटैक में एक सिंगल कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि होता क्या है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब सीधा एक डिनाई कर देना कोई चीज़। तो आपकी मम्मी अगर आपसे मोबाइल छीन लेती है एग्ज़ाम के समय में, तो एक तरीके से आपको डिनाई कर रही है ताकि आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का अटैक हो जाएगा, एक से समझ सकते हैं। तो वेबसाइट के मामले में ऐसा ही होता है कि एक वेबसाइट पे जब एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है मल्टीपल कोई एक, जैसे होता है ना, जैसे आप कोई गूगल से वेब ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है, आप गूगल को भेज रहे हैं www.google.com लिख रहे हैं, ठीक है, एड्रेस में। और उसके बाद उधर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, उसका आंसर आता है कि मतलब आपका वेब पेज खुल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि डॉस अटैक में होता है कि एक कंप्यूटर जो है सो मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है एक ही सर्वर को। लेकिन जब एक कंप्यूटर भेजता है मल्टीपल रिक्वेस्ट एक सर्वर को, तो जनरली ये फाइंड किया जाता है कि या ये जो सर्वर, मतलब ये जो कंप्यूटर है, ये जो पोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है मतलब बैंडविड्थ को, तो उसको जो है सो आसानी से पकड़ा जा सकता है डॉस अटैक को, ठीक है। उसके बाद आता है डीडोस अटैक, ठीक है। डीडोस अटैक पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें एक कंप्यूटर नहीं मल्टीपल कंप्यूटर होता है जो कि एक रिक्वेस्ट भेजता है मतलब वेबसाइट पे। तो आप मल्टीपल कंप्यूटर कैसे भेजता है, जैसे कि हम एक प्रोग्रामर है, हम एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे और कह लीजिए मालवेयर डेवलप करेंगे जिसको हम इंटरनेट पर फैला देंगे, और उससे बहुत सारा डिवाइस में वो मालवेयर जो है घुस जाएगा, ठीक है, बहुत बहुत सारा डिवाइस में घुस जाएगा मालवेयर। उसके बाद होगा क्या, हम मैन अति जो है सो रिमोटली उस डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे, हम जो चाहें वो कर सकते हैं उस डिवाइस से, जैसे चाहे वैसे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस वायरस को या फिर जो भी मालवेयर उसको फैला देंगे। उसके बाद लाखों कंप्यूटर में वो फैल गया। अब हम क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट भेजेंगे उन लाखों कंप्यूटर को, जैसे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उस लाखों कंप्यूटर जो है सो एक्टिव हो जाएगा, और उस लाखों कंप्यूटर को बोलेंगे फुल पावर से जितना उसका बैंडविड्थ है पूरा बैंडविड्थ किसी एक सर्वर पे लगा दे, रिक्वेस्ट भेजे उस सर्वर को। ऐसे होगा कि मल्टीपल लाखों रिक्वेस्ट जाएगा एक सर्वर पे और सर्वर हो जाएगा ठप, सर्वर पे बहुत मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएगा, सर्वर जो है सो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। सर्वर का एक लिमिट होता है ना कि उतना लिमिट के बाद वो जो है सो उसका दिमाग खराब, मेरा हाथ दर्द करने लगा, हाँ, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो यह ऐसे ही काम करता है डॉस अटैक और डीडोस अटैक। और डीडोस अटैक करना आजकल के ज़माने में इजी हो गया है, मतलब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे डीडोस अटैक कैसे होता है, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि एक्चुअली में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके थे हैकिंग से रिलेटेड, तो यूट्यूब उसको उस वीडियो को डाउन कर दिया, मतलब कहने का मतलब यूट्यूब पे हैकिंग क्रैकिंग से रिलेटेड वीडियो डाला नहीं जा सकता, तो इसलिए उसके बाद से हम डाले नहीं है कोई वीडियो, क्योंकि बेकार में वीडियो बनाएंगे इतना मेहनत करके उसको हम डालेंगे और यूट्यूब जो है उसको डाउन कर देगा, तो इसलिए हम नहीं बनाएंगे। नहीं तो करना आसान है, आप अपने वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए डीडोस से बहुत सारे जो डोमेन जो वेब होस्टिंग सर्विस होते हैं वो कहते हैं कि आपका वेबसाइट जो है सो डीडोस प्रूफ है, तो उनको टेस्ट करने के लिए सही में डीडोस प्रूफ है कि नहीं, डीडोस अटैक प्रूफ है कि नहीं, आप उस पर डीडोस अटैक करवा सकते हैं मैनुअली कुछ पैसे दे के, या फिर कभी कभी कुछ फ्री में भी करवा सकते हैं, लेकिन फ्री वाला उतना बढ़िया पता कह नहीं सकते इस बारे में, दोनों ही काम करता है, मेरे केस में तो दोनों ही काम किया है, लेकिन आप पैसा देते हैं तो कुछ ना कुछ खासियत होगा, तो ये बात भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात आ जाता है कि सपोज कीजिए कभी गूगल किसी पर डीडोस अटैक करवाने का कोशिश करेगा, आप मान लीजिए गूगल के पास मल्टीपल मतलब करोड़ों अरबों जो है एंड्रॉयड फ़ोन्स पर उसका एक्सेस है, मतलब कंट्रोल है, वो अरबों कितना पता नहीं कितना, हमको तो गिन भी नहीं सकते हैं उतना एंड्रॉयड फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है, वो किसी कभी किसी वेबसाइट पे डीडोस अटैक करवाने का सोचेगा तो क्या उसका हालत होगा, हम तो यही सोच रहे थे। और हम सोचे हैं कि यार क्यों ना मल्टीपल सोर्स से जो है सो गूगल पे डीडोस अटैक करवाया जाए, हालांकि गूगल तो है लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च करता है डीडोस प्रोटेक्शन के लिए और बैंडविड्थ पे वो तो मेरे ख्याल से गूगल पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे, अगर आप डीडोस अटैक करवाते भी है तो, क्योंकि उसके लिए वो बहुत आपसे भी जीनियस वहाँ बैठा हुआ है, तो
बेकार है। तो यही होता है डीडॉस अटैक बेसिकली। अगर आपको कभी लगे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन मतलब आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है, मतलब आप कोई वेबसाइट होस्टिंग मतलब आपका कोई वेबसाइट है ठीक है, और उस पर आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मतलब आप खोलना चाहते हैं उसका पेज और वो काम नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपके वेबसाइट पर बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, डीडॉस अटैक करवाया गया आपकी वेबसाइट पर ठीक है। तो यही होता है पहचानने का तरीका और कुछ नहीं, तो सिंपल है डीडॉस अटैक। और क्या बताएं, और डीडॉस अटैक बहुत तरीके का होता है। फिलहाल हमको सबका नाम, हमको डीडॉस का फुल फॉर्म भी याद नहीं रहता, बेसिकली हमको याद नहीं रहता है, हम याद करने वाला काम ही नहीं करते, लेकिन तरह तरह का रिक्वेस्ट मतलब तरह तरह से जो है सो डीडॉस अटैक या डॉस अटैक करवाया जाता है। सभी अलग तरीका है, सभी का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। तो हम ये तो नहीं बता सकते उसका नाम क्या है, क्योंकि नाम हमको याद रहता नहीं है सही बात बोले तो। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि डीडॉस अटैक क्या होता है, और अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारा वीडियो का आप देख सकते हैं इस तरीके का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस।